वेलकम टू क्रिकेट टॉस दोस्तों। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड कप में शर्मनाक कारकर्दगी के बाद टेस्ट स्क्वाड में काफ़ी तब्दीलियां की गई हैं। टेस्ट स्क्वाड की अगर बात करें तो कैप्टन शान मसूद, आमर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन अली, इमामुल हक, खुरम शहजाद, मीर हमज़ा, मोहम्मद रजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नुमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील और शहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। जबकि चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का कहना था कि अरशद इकबाल, काशिफ अली, शाहनवाज दानी, शादाब खान, उसामा मीर, उस्मान कादर और मोहम्मद नवाज पाकिस्तान के टेस्ट टीम के कैंप को ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। जबकि उनका कहना था कि हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए वर्कलोड की वजह से खुद इनकार किया है। जबकि उनका कहना था कि नसीम शाह जो हैं वो भी काफ़ी हद तक फिट हो चुके हैं और उम्मीद है वो अगले साल के आगाज़ में बॉलिंग करना शुरू कर देंगे। और मोहम्मद हसनैन की इंजरी के बारे में भी उन्होंने अपडेट किया।